अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो एनटीए की तरफ से यहाँ पे नीट यूजी 2023 के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा अपडेट कर दिया गया है। एक गुड न्यूज़ है सारे कैंडिडेट्स के लिए। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्या कुछ यहाँ पे अपडेट आया है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं नीट यूजी 2023 के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या कुछ अपडेट एनटीए की तरफ से निकल कर आया है। तो देखिए, जब एनटीए ने एप्लीकेशन फॉर्म्स निकाले थे तो जब उन्होंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अपना निकाला था उसमें उन्होंने कहा था कि जो एससी एसटी की कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट जब आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम अपलोड करनी थी या वो सिलेक्ट करनी थी तो उसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगी वो होनी चाहिए अप्रैल 2022 के बाद की जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं वही सर्टिफिकेट्स वैलिड होंगी और अप्रैल 2022 से पहले जो बनी है 2021 में या 2018 में 19 में 20 में वो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स वैलिड नहीं थी, वो इनवैलिड। उनको बता दिया गया था कि नई सर्टिफिकेट्स आप बनाओ, नई सर्टिफिकेट्स ही वहां पर अपलोड करो। ओवरऑल जो अप्रैल 2022 के बाद बनी थी वही उन्होंने कहा कि वही सर्टिफिकेट्स यहाँ पे वैलिड थी। लेकिन कई सारे स्टेट्स में इसका यहाँ पे काफ़ी बड़ा इशू बन गया। काफ़ी सारे स्टेट्स में जो है वो जो एस सी एस टी की सर्टिफिकेट्स थी वो रिन्यू नहीं करवाई जाती हैं, तो स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे काफ़ी सारी जो है वो प्रॉब्लम आ रही थी, काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी। तो आज एन टी ए ने यहाँ पे ऑफिशियली एक अपडेट निकाला, एक नोट्स भी निकाला। तो वो जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में वो पेराज थे उनको हटा दिया गया, अपडेट कर दिया गया। और उसमें उन्होंने अपडेट ये किया कि कर दिया कि जो एस सी एस टी की कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं वो अगर किसी भी ईयर की भी होंगी वो एन टी ए जो है एक्सेप्ट करेगी, वो आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि अप्रैल 2022 के बाद की ही वैलिड होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपकी जिस भी ईयर की जो एस सी एस टी सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे आपको चलेगी। तो जो वो पिछला इशू था कि अप्रैल 2022 के बाद की होनी चाहिए तब वैलिड होगी, वो इन्होंने फिलहाल इन पोर्टल से हटा दिया, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन से भी हटा दिया और अपडेटेड बुलेटिन भी आ चुका है, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेंगे। ये था एन टी ए की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट एस सी एस टी के कैंडिडेट्स के लिए जो मैंने आपको बता दिया। कोई कन्फ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।